हाय गाइस, आज हम लोग ओ एस एम एस प्रोजेक्ट में देखेंगे कि किस तरीके से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए यूज़र पैनल में हमें जाना पड़ेगा। तो यूज़र पैनल में पहले चलते हैं। यहाँ पर हमारा user@osms.com यूज़र की ईमेल आईडी और इसका पासवर्ड है 123456 और इसने किया लॉगिन। सर्विस स्टेटस हमने ये पेज बनाकर छोड़ दिया था जिस पेज का नाम है checkstatus.php। यहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड करना है कि जब यूज़र कोई रिक्वेस्ट सबमिट करता है और एडमिन उस रिक्वेस्ट को असाइन कर देता है कि ये सर्विस होगा, तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। मतलब वो काम असाइन हो गया है, यानी कि यूज़र ने जो सर्विस रिक्वेस्ट किया था उसका स्टेटस अब दिखना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर इस डेट पर विजिट किया जाएगा या फिर आपका काम इस डेट में असाइन हुआ है, ये आपका टेक्नीशियन है, ये सारी चीज़ डिटेल उसको दिखनी चाहिए क्या क्या उसका रिक्वेस्ट था वो। तो वही काम हम लोग यहाँ पर अभी करने वाले हैं। तो यूज़र पैनल में करना है तो कोड में आते हैं और असाइन वर्क हमें नहीं चाहिए, हमें हेडर रिक्वेस्ट ये सारी चीज़ें हमने हटा दी है। एडमिन को बंद करते हैं, रिक्वेस्टर को लाते हैं। यहाँ पर हमारा पेज है checkstatus.php। इसमें ज़्यादा हमें कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब लिखने की आवश्यकता तो है, मतलब हमारा जो फॉर्म है वह बहुत ही छोटा सा है। एक बस हमें फॉर्म बनाना है जिसमें हम रिक्वेस्ट आईडी लेंगे और एक बटन होगा जिसे क्लिक होने पर हमारा डेटा शो होना चाहिए। उस काम को करने से पहले सेशन को वेरीफाई कर लेते हैं कि ये लॉगिन है तभी पेज हमारा एक्सेस हो, अदरवाइज ना हो। जिसके लिए हमने कॉपी पेस्ट किया ये वाला क्विकली, किसी भी पेज से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये हमने सभी पेज में लगभग लिखा हुआ है। देखिए हमारा रिक्वेस्टर प्रोफाइल है, यहाँ भी हमने किया हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ईजी है। इससे क्या होगा हमारा, इससे हमारा ये होगा कि ये चेक करेगा कि क्या इस वेरिएबल में ट्रू है, अगर ट्रू है तो ईमेल में मिल जाएगा, अगर ट्रू नहीं है। ट्रू कब नहीं होगा, जब लॉगिन नहीं रहेगा। जब लॉगिन नहीं रहेगा तो ट्रू नहीं होगा, उस केस में ये एल्स में आएगा और आपको कहेगा कि पहले लॉगिन करो तभी आप checkstatus.php पेज को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये हमने सिंपल सा कोड लिखा। अब हम बात करेंगे कि इस पेज में दिखना क्या है। इस पेज में हमें दिखना है एक छोटा सा इनपुट टेक्स्ट फील्ड जिसमें हम यूज़र से उसकी रिक्वेस्ट आईडी लेंगे, एक सबमिट बटन होगा जिसके क्लिक होने पर उसका पूरा डेटा दिखना चाहिए। क्या क्या डेटा दिखना चाहिए मैं आपको कुछ देर में अभी बताने वाला हूँ। पहले फॉर्म बना लेते हैं। header.php ऊपर में, यानी कि हम लोग हमारा पहला कॉलम का एंड हमने दिया हुआ है, हम लोग यहाँ सेकेंड कॉलम बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल लिख देता हूँ स्टार्ट सेकेंड कॉलम। ओके, यहाँ तक हमारा सही है। अभी हम लोग सेकेंड कॉलम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। एक डिव बनाएंगे, ओपनिंग डिव एंड क्लोजिंग डिव, और इस डिव में हम लोग क्लास लिखेंगे कॉलम। तो कॉल सेम सिक्स ये लिखा हमने और इसके अंदर हम लोग फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म टैग फॉर्म पोस्ट हमने लिया, हमने एक्शन में कुछ नहीं देना है। हमें फॉर्म टैग के अंदर में हमें बनाना है एक डिव और इस डिव में क्लास देंगे हम लोग, जो हमारा बूटस्ट्रैपी क्लास है उसको देंगे फॉर्म ग्रुप और इसमें एक लेबल बनाएंगे। ये लेबल होगा चेक आईडी और यहाँ पर हम लिख देंगे इंटर रिक्वेस्ट आईडी और इसके लिए इनपुट फील्ड लिखेंगे। इनपुट हमारा ये टेक्स्ट होगा, इसका नाम हम लोग रखेंगे checkid, इसका आईडी भी यही रख देंगे checkid और इसमें क्लास हमें देना है, बूटस्ट्रैप का क्लास हमें देना पड़ेगा। तो क्लास लिखते हैं क्लास इक्वल फॉर्म कंट्रोल। देन एक बटन बनाना है, तो इस डिव से बाहर आते हैं और यहाँ पर एक बटन बनाते हैं। बटन हमारा सबमिट टाइप का होगा, तो ये बटन हमारा सबमिट टाइप का हो गया। यहाँ पर हमें सर्च लिख देना है, ये सर्च करके हमें बताएगा कि हमारा डेटा है या नहीं, मतलब हमारा काम असाइन हुआ या नहीं। क्लास इसमें ऐड करेंगे btn डेंजर। सेव किया मैंने इसको, पहले इतना दिखा देता हूँ कि हमें इसमें से क्या देखने को मिल जाता है। इतने में से सेव किया मैंने इसको, इसको मैंने कमेंट नहीं किया ठीक से, तो मैं यहाँ पर कमेंट ज़रा कर देता हूँ। इंड सेकेंड कॉलम
सेव कर लिया। सेव करने के बाद अभी इसको हम लोग करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है, हमारा ये ऊपर अंदर चला जा रहा है, तो हमें मार्जिन वगैरह सेट करना पड़ेगा। तो मार्जिन टॉप दे देता हूँ 5 और मार्जिन लेफ्ट राइट दे देता हूँ 3। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश कीजिए, ये यहाँ पर आपको दिखाई देता है। आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें इन लाइन में है, यानी कि इसके जस्ट बगल में इनपुट फील्ड है। तो ये सारे काम भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लासेस कुछ ऐड करनी पड़ेंगी फॉर्म में, फॉर्म का कुछ क्लास यहाँ पर ऐड करना है हमें। फॉर्म इन लाइन, सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये हमारा इन लाइन आ रहा है। अभी हमारा ये राइट में मार्जिन डिमांड कर रहा है, हमारा कौन, हमारा डिव ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग MR3 कर देते हैं। सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, ये थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गया। यहाँ भी आप डिस्टेंस ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अब आगे क्या, अब आगे ये कि इस बटन यहाँ पर कुछ तो इनपुट कर देंगे, नंबर जो भी रिक्वेस्ट आईडी होगी वह, और सर्च बटन के क्लिक होने पर ये रिक्वेस्ट आईडी जिसकी भी होगी उसका डेटा यहाँ पर हमें दिखना चाहिए। और ये दिखना चाहिए असाइन वर्क अंडरस्कोर टीबी टेबल से। कौन से टेबल से दिखाता हूँ, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में गए हम लोग, और यहाँ पर हमारा न्यू OSMS, देन असाइन वर्क _TB ये टेबल है हमारा। यहाँ जो रिक्वेस्ट आईडी है इसके अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पर दिखना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर जिसे रिक्वेस्ट आईडी 1 है, तो मैं अगर यहाँ 1 लिख कर सर्च करूँ तो 1 का जो डेटा यहाँ पर रिक्वेस्ट इन्फो है, रिक्वेस्ट डीसी, या फिर जिसकी मुझे आ सकता है वह इन्फो यहाँ पर, वह डेटा यहाँ पर विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो ये हमें करना है कब, इस सर्च बटन के क्लिक होने पर। तो एक चीज़ तुम्हें पता चल जाती है कि हमारा जो भी कोड होगा वो इस बटन के क्लिक होने के बाद एक्टिव होना चाहिए। तो हमारा पहला कोड यहाँ पर यही बन जाता है कि PHP ओपनिंग और PHP क्लोजिंग, और यहाँ पर हमारा पहला कोड यही होगा कि इफ़ इज सेट, इज सेट $ रिक्वेस्ट, और हमारा बटन का क्या नाम है, बटन का नाम हमने, बटन का नाम हम लोग रख देते हैं यहाँ से कोई भी नाम, या कोई भी नाम रख देते हैं। आप जानते हैं, आप बटन का नाम अगर नहीं भी रखते हैं तो आप इस इनपुट फील्ड से भी डेटा निकाल सकते हैं। तो चलिए इस इनपुट फील्ड का ही मैं इस बार करके दिखाता हूँ। बटन वाला हमने बहुत बार देखा है, मैं आपको इसी में से दिखाता हूँ। हम लोग इसी में से देख लेंगे कि अगर रिक्वेस्ट आईडी होगा तभी तो डेटा दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो रिक्वेस्ट आईडी अगर कोई डालेगा तो ये हमारा ट्रू होगा, और इफ़ के अंदर का कोड हमारा रन करेगा। और इफ के अंदर का कोड क्या करेगा, हमारा क्वेरी रन करेगा। कौन सा क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी। क्यों, क्योंकि हमें डेटा दिखाना है बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट आईडी। तो SQL इक्वल हमारा यहाँ हो जाएगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, के परसेंट नहीं लिखना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम साइन वर्क, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, असाइन, अच्छा एक बार टेबल का नाम में देखिए स्पेलिंग में देख लेता हूँ, नहीं यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसको मैंने किया जी कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं कर देता हूँ इसको सिंपली पेस्ट, अभी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। वेयर रिक्वेस्ट आईडी, ये कॉलम का नाम लिख रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट आईडी इक्वल $ रिक्वेस्ट, $ रिक्वेस्ट के चेक आईडी, चेक आईडी, यानी कि चेक आईडी में यहाँ पर क्या आएगा, रिक्वेस्ट चेक आईडी में क्या, रिक्वेस्ट चेक आईडी में वह होगा जो आप यानी कि यूज़र यहाँ पर डालेगा। तो ये मैच करना चाहिए इस रिक्वेस्ट आईडी के कॉलम से, अगर मैच करता है तो उसका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और आगे आप उसको इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा के उसका डेटा फेच करवा सकते हैं। तो चलिए करवाते हैं, पहले इसको रिजल्ट में डालेंगे। तो रिजल्ट इक्वल क्वेरी, याद हुआ, ये सारी चीज़ें तो याद हो जानी चाहिए अगर आप कोडिंग करते हैं, सिर्फ देखने की वजह, अगर सिर्फ कोड देखने की वजह अगर कोड भी करते हैं तो ये क्वेरीज आपको स्टार्ट याद हो जाएंगी कि क्वेरी लिखना है, सिलेक्ट उसके बाद उसको रन करवाना है, रिजल्ट ये वो दिस दैट। रॉ में रखेंगे, एक सिंगल आएगा तो मैं वाइल यहाँ चलाने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट लिखने के बाद फैच एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में फैच करना, फैच सॉक, ये हो गया। अभी हम लोग
इसमें डेटा डालना शुरू करेंगे। तो डेटा हम लोग टेबल के फॉर्म में डालेंगे तो हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के दो तरीके हैं, मैंने आपको पहले इससे पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग क्या करते थे, PHP में HTML यूज़ करते थे, बट अब मैं आपको HTML में PHP यूज़ करना दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं, हम लोग टेबल टैग लिखेंगे पहले H3 एक जो हमारा हेडिंग बनेगा। ओके, इससे हमें बाहर निकलना है PHP क्लोजिंग से। यहाँ PHP क्लोज हो जाता है, यहाँ पर हमें लिखना, तो हेडिंग 3 हमने लिखा और यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे असाइन टू वर्क डिटेल्स। H3 में कुछ क्लासेस देनी है बूटस्ट्रैप की। पहला क्लास है हमारा टेक्स्ट सेंटर, इसको सेंटर में करेगा टेक्स्ट को, और इसमें मार्जिन टॉप हम लोग दे देंगे। इसके बाद बारी है टेबल की, तो टेबल टैग हमने लिखा, फिर टेबल में बूटस्ट्रैप की क्लासेस देंगे टेबल। टेबल हमें बॉर्डर्ड चाहिए, तो टेबल बॉर्डर्ड क्लास लगा देता हूँ बॉर्डर्ड, और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे टी बॉडी डायरेक्टली, टी बॉडी में हमारा बनेगा क्या, टी बॉडी में बनेगा हमारा पहले एक TR, और इस TR के अंदर हम लोग लिखेंगे TD। पहला TD हमारा बनेगा रिक्वेस्ट ID का, दूसरा TD हमारा बनेगा जिसमें रिक्वेस्ट ID का वैल्यू होगा जो कि हमारा डेटाबेस से आने वाला है जो रॉ में अभी तक है। तो यहाँ हमें PHP का कोड लिखना पड़ेगा, तो ये ओपनिंग PHP और ये हो गया क्लोजिंग PHP, और यहाँ पर हम लोग PHP का कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इफ इज सेट क्या रॉ, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉलम का नाम, हमें पता है रिक्वेस्ट ID। अगर ये सेट है तो इको कर दो। इतना सेव किया, सेव करने के बाद हम लोगों ने यहाँ क्या नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पर सेमी कलन मिस किया है आई बिलीव, यहाँ पर एक सेमी कलन मिसिंग है। ओके, अब ठीक है, हम लोग इतना पहले देख लेते हैं कि हमारा काम हो रहा है या नहीं। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। हमें असाइन वर्क डिटेल ये दिखना नहीं चाहिए, ये दिखना कब चाहिए, ये दिखना तब चाहिए जब हम लोग यहाँ पर डेटा डालकर सर्च में क्लिक कर दें। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो रही है, इसे हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको फिक्स करने के तरीके हमारे पास क्या हैं, इसको फिक्स करने के तरीके हमारे पास हैं कि हम इस पूरे को एक इफ़ में डालें। तो हम लोग एक यहाँ इफ़ हमें लगाना पड़ेगा। पहले इसको ऐसे करके देखता हूँ, इसको मैं हटाकर ये जो वाला जो हमारा इस ये जो चेक कर रहा है ये जो इसका क्लोजिंग कर लिया इसको हटाता हूँ, और इसको मैं एकदम यहाँ सेकंड टेबल के नीचे यहाँ पर PHP ओपनिंग और PHP क्लोजिंग यहाँ पर लिख देता हूँ। एक भी अगर कर्ली भी आपका PHP है तब आपको PHP ओपनिंग और PHP क्लोजिंग के बीच में इसको लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग इसको सेव करते हैं। अभी ये पूरा का पूरा कोड हमारा इस इफ के अंदर में, देखते हैं कि काम होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो हम लोग दूसरा कोई युक्ति इसमें देखेंगे। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी हमारा काम हो रहा है। हम लोग जब वन में इसमें लगाएंगे रिक्वेस्ट आई डी वन और सर्च में क्लिक करें तो यहाँ पर हमारा डेटा दिखना चाहिए जो कि दिख नहीं रहा। यहाँ कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल कॉन दिस, और कुछ एरर से मिल रहा है, एक लाइन नंबर 25 में है और लाइन नंबर 25 में। तो चलिए देखते हैं कि लाइन नंबर 25 हमारा क्या कहता है। ओके, तो यहाँ तो हमें कुछ सब कुछ ठीक लग रहा है। हम ऊपर में देखते हैं, हमने यहाँ डेटाबेस कनेक्शन बनाने का कोड यहाँ नहीं लिखा जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है होपफुली। तो डेटाबेस कनेक्शन बनाने का जो हमारा इंक्लूड है बस इसको हमें कॉपी कर लेना है किसी भी रिक्वेस्टर प्रोफाइल से या कहीं से भी, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सेव करते हैं, वापस से देखते हैं कि काम होता है या नहीं। रिफ्रेश किया, वन लिखा और सर्च में क्लिक किया तो हमारा असाइन वर्क डिटेल वन और रिक्वेस्ट आईडी वन यहाँ दिखाई देता है। और क्या हमारा है, और हमारा रिक्वेस्ट आईडी फोर हमारा असाइन किया हुआ है। तो फोर यहाँ कोई लिखे सर्च में क्लिक कर तो रिक्वेस्ट आईडी फोर दिखना चाहिए, और भी बाकी डिटेल भी अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, धीरे धीरे आते हैं। तो बाकी डिटेल्स यहाँ पर हमारी शो करेगी, अभी हम लोग उसमें कोड लिखेंगे। तो ये TR ख़त्म हो गया, अब दूसरा TR हमारा बनेगा। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और बस इसमें हम लोग मॉडिफाई करते हुए चलेंगे। पहला हमारा रिक्वेस्ट आईडी था तो रिक्वेस्ट आईडी हो गया, अभी दूसरा हमारा रिक्वेस्ट इन्फो बनेगा तो रिक्वेस्ट इन्फो लिख देना। देन ये रिक्वेस्ट आईडी नहीं, यहाँ पर रिक्वेस्ट इन्फो लिखना। ये कॉलम्स का नाम लिखा जाता है रॉ के साथ, जिनको पता नहीं है उनकी जानकारी के लिए यह इन्फो लिख दिया। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अभी हम लोग वन करेंगे तो हमें रिक्वेस्ट आईडी और रिक्वेस्ट इन्फो दोनों ही देखने को मिलेगा। उसी तरीके से रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन हमें करना है,
तो हमें क्या करना है, पहले तो आप इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करो, और यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करनी है, लाइक रिक्वेस्ट इन्फो की जगह पर रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, और उसके कॉलम का नाम है DESC, और यहाँ भी आपको कर देना है DESC। सेव किया, सेव करने के बाद फिर दिखाता हूँ, रिफ्रेश किया, 1 करेंगे तो 1 का जो डेटा है वह दिखेगा, अगर 4 करेंगे तो 4 का जो डेटा है वह दिखेगा। मैं क्विकली सभी को यहाँ पर कर लेता हूँ, सभी का डेटा यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने यहाँ तक किया था डिस्क्रिप्शन तक, अभी हमने इसमें नेम भी डाल दिया है, नेम आप देख सकते हैं, नेम के लिए क्वेश्चन नेम है, एड्रेस लाइन 1 के लिए है, फिर एड्रेस लाइन 2 के लिए है, फिर सिटी के लिए है, देन स्टेट के लिए हमने लिख दिया, पिन कोड के लिए लिख दिया, इसको जिप कोड भी आप कहते हैं, ईमेल के लिए लिख दिया, मोबाइल नंबर, असाइंड डेट, टेक्नीशियन का नाम, देन कस्टमर का सिग्नेचर और टेक्नीशियन का सिग्नेचर, पूरे को सेव करना है। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, पहले 1 सर्च करेंगे तो ये पूरा डेटा उसको दिखाई देगा। यस, कस्टमर सिग्नेचर खाली है बिकॉज यहाँ मैनुअली सिग्नेचर करवाना है कस्टमर से, और टेक्नीशियन सैंग यहाँ पर खाली है बिकॉज यहाँ टेक्नीशियन से सिग्नेचर करवाना है मैनुअली, बाकी सारा डेटा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप 4 करेंगे तो आपको 4 दिखाई देगा, मतलब आपका जो अपना रिक्वेस्ट आईडी होगा वही आप जाहिर सी बात है यहाँ लिखेंगे, जो आपने रिक्वेस्ट किया इससे जो रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हुआ वह आप चेक करेंगे यहाँ पर आकर, जो कि चेक हो रहा है सही तरीके से। तो बस यही था हमारा इसमें कोड। अभी मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 12 और सब सर्च में क्लिक किया, तो ये टेबल दिख रहा है जबकि ये दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि 12 का कोई भी रिक्वेस्ट आईडी यहाँ जनरेट नहीं है, कोई भी रिक्वेस्ट आईडी जनरेट नहीं है, मगर ये टेबल तो हमें दिख रहा है। तो ये टेबल ना दिखे इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ये बताता हूँ आपको। यहाँ आना है और यहाँ पर एल्स पार्ट लगाना है। एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इको, मैं PHP के अंदर HTML लिख रहा हूँ, इको करेंगे बस एक div, ये div हो या ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि योर रिक्वेस्ट इज स्टिल पेंडिंग। इसको और इस प्रोजेक्ट को और इन्हेंस किया जा सकता है, इसमें क्या आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी कुछ देर में। क्लास हमारा होगा अलर्ट, इस बार हम लोग स्पेलिंग सही लिखेंगे, अलर्ट लिखा, अल्टर कहीं भी नहीं लिखा है, और यहाँ पर हम लोग सेकेंडरी या फिर इसको वार्निंग कर देते हैं, वार्निंग MT4। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हमने यहाँ पर सेमी कलर नहीं दिया है, इसको सेव कर लिया, सेव करते हैं और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, हमारे यहाँ पर योर रिक्वेस्ट इज स्टिल पेंडिंग, ये बिना ये रन किए ही आ रहा है, तो यहाँ पर 1 किया तो ये डेटा दिखना चाहिए, और ये हमारे जो योर रिक्वेस्ट स्टिल पेंडिंग है वह कब आना चाहिए था, वह तब आना चाहिए था जब हम लोग इस बटन पर क्लिक करते हैं तब। तो हमारा ये कोड भी इसी के अंदर में हमें रखना पड़ेगा, यानी कि एक इफ़ हमें लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, एक इफ़ जो इसको चेक करेगा और उसी का एल्स पार्ट ये बनेगा। तो ऊपर आते हैं, यहाँ पर देखिए ये सारी जो लॉजिक की बातें हैं आपको खुद सोचनी पड़ेगी, मुझे लगाना पड़ेगा एक इफ़ यहाँ पर। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं बट ये आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हम लोग क्या करेंगे, रॉ तो हमारे पास है ही, और रॉ होने के साथ हमारे पास रिक्वेस्ट आईडी भी है, तो रिक्वेस्ट आईडी अगर इक्वल होता है रिक्वेस्ट चेक आईडी के तो हमारा ये रन करेगा। ये जो पूरा कोड है इसको क्लोजिंग हमें नीचे करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग PHP को क्लोज़ कर देते हैं, देखिए हमने क्लोज़ कर दिया है, इसके नीचे HTML है, ये पूरा हमारा इसके इस इफ के ट्रू होने पर ये पूरा कोड हमारा रन करना चाहिए, पूरा टेबल, और ये पूरा हमारा क्लोज होगा यहाँ पर, देन ये एल्स आएगा और यहाँ पर ये क्लोज होगा, और इसके साथ हमारा जो ऊपर में ओपनिंग है इफ़ एक वो भी क्लोज़ होना चाहिए। तो अभी देखते हैं हमारा ये लॉजिक सही तरीके से काम करेगा या नहीं। मैंने इसको किया है रिफ्रेश, अभी देखिए हमारा ये और स्टिल पेंडिंग नहीं आ रहा। मैं अगर 1 लिखता हूँ सर्च करता हूँ तो 1 का डेटा मुझे यहाँ दिखाई देता है, अगर मैं कोई ऐसा लिखता हूँ जो कि नहीं है या फिर पेंडिंग है जिसका असाइन नहीं किया गया वर्क, उसको सर्च करूँगा तो योर रिक्वेस्ट इज स्टिल पेंडिंग। इसमें दो चीज़ें और हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, थोड़ा सा और बेहतर इसको बनाया जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं, आप
एक और क्वेरी लगाकर इसको और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हम देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 1 4, अगर 1 है तो 1 का डेटा दिखेगा, 4 है तो 4 का डेटा दिखेगा, लेकिन और भी तो रिक्वेस्ट होगा जो असाइन नहीं किया गया होगा, जैसे कि सबमिट रिक्वेस्ट पर हम लोग जाएँ तो 2 हमारा एक ऐसा रिक्वेस्ट है जो कि असाइन नहीं किया गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसका इसको असाइन कभी नहीं किया जाएगा। तो अगर 2 यहाँ कोई लिखता है सर्च पे क्लिक किया तो योर रिक्वेस्ट इज स्टिल पेंडिंग ऐसा उसको शो करना चाहिए जो कि कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा अगर रिक्वेस्ट हम लोग डालते हैं जो कि ना तो पेंडिंग है और ना ही उसको असाइन किया गया, जैसे कि पेंडिंग में क्या है, पेंडिंग में हमारा 2 है और असाइन जो प्रोसेस कर दिया गया वह क्या 1 4 रिक्वेस्ट आईडी, और हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट आईडी डाल रहे हैं 10, सर्च में क्लिक किया तो हमें ये 10 जो कि गलत रिक्वेस्ट आईडी, ये भी हमें बता रहा है योर रिक्वेस्ट इज स्टिल पेंडिंग जो कि सही नहीं है, यहाँ प्रॉपर क्या बताना चाहिए कि योर रिक्वेस्ट आईडी इज़ रॉन्ग, ये मैसेज आना चाहिए। तो ये इसको आप और इन्हेंस कर सकते हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि जब एक बार आप इस पूरे प्रोजेक्ट को बना लेंगे जैसा है वैसा, उसके बाद इसमें आप इस तरह के फीचर ऐड करने की कोशिश करें, इससे आपका जो दिमाग में सोचने का पावर है वह बढ़ेगा, लॉजिक पावर आपका बढ़ेगा। अब यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख दे, इस तरीके से टेक्स्ट लिखा और सर्च में क्लिक किया तो इस तरीके से एरर मिल जाता है। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिखना वर्जित कर देंगे कि टेक्स्ट नहीं लिख सकते, सिर्फ आपको नंबर लिखना है, नंबर लिखेंगे तो फिर ये सही आपका काम करेगा। इसके लिए हमें क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग वही एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो हमने बनाया था कि ऑन की प्रेस पर ये चेक करेगा कि नंबर ही होना चाहिए, लेटर नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, तो वही हमें लगा देना किस पे, अपने इनपुट फील्ड पे। तो ऊपर चलते हैं, पहले फंक्शन बना देता हूँ मैं, यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बस कॉपी पेस्ट करना है, वो फंक्शन हमारा पहले से बना हुआ है, फंक्शन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये वाला हमारा फंक्शन है जिसको हमें ऑन की प्रेस इवेंट पर लगाने का है। इस इनपुट फील्ड में आना है, यहाँ पर ऑन की प्रेस इक्वल, और ये वाला आपको लिखना है यहाँ पर ऑन की प्रेस, यहाँ पर ये वाला फंक्शन, और यहाँ आपको पास करना है इवेंट, बस इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए। अब यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते हैं, आपको हमेशा नंबर ही लिखना पड़ेगा, और गलत नंबर लिखिएगा या फिर जो पेंडिंग है वह लिखिएगा तो आपको ये वाला मैसेज मिलेगा, लेटर आएगा नहीं तो आपको कोई एरर मिलेगा नहीं। अभी ब्लैंक वाले में भी हमें एक एरर आ रहा है, अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपका ये एरर आ रहा है, तो इसको आप फिक्स कीजिए, दिमाग लगाइए कि कैसे ये फिक्स हो सकता है, ब्लैंक ना रहे। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक लगा सकते हैं इफ़ कि ये अगर ब्लैंक है तो आपका सर्च के अंदर का कोड एग्जीक्यूट ना हो, हम लोगों ने ब्लैंक वाला बहुत देखा हुआ है। एक और इफ़ एल्स आपको लगाना पड़ेगा, बस आपको करना ये है कि यहाँ पर आपको आना है इस वाले में, और यहाँ पर पहले आपको चेक कर लेना है, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इज़ सेट ये वाला पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये अगर इक्वल हमारा ब्लैंक है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको यहाँ पर एक मैसेज मिल जाएगा, इको इन फील्ड ऑल फील्ड्स, या फिर इसको हम लोग जैसे प्रॉपर लिखते हैं वैसे मैं लिख के आपको बताता हूँ। ये हमारा MSG हो जाएगा, MSG में मैंने ये लिख दिया सिर्फ कि फील ऑल फील्ड्स, अगर डेटा है तो ये हमारा else पार्ट में जाएगा और ये रन करेगा इसके अंदर का कोड, और इसके अंदर में हम लोग ये वाला कोड लिखेंगे पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर ये पूरा आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ से लेकर हमारा ये पूरा कम से कम यहाँ तक का हमें कोड इसमें कट करना है और इसके अंदर डालना है, फिर हमें कुछ चीज़ें फ़िक्स करनी पड़ेगी। क्या फिक्स करना पड़ेगा देखते हैं, ऊपर से हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलता जाएगा। हमारा PHP ये भी है, PHP यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक हमारा PHP क्लोज, ये हमारा सब कुछ ठीक है इधर, और मुझे लगता नहीं कि कुछ हमारा गड़बड़ है, मगर इसको रन करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा। सेव किया, कोई एरर नहीं है, अभी हम लोग इसको रन करते हैं। देखिए अगर हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा जो कि डिस्प्ले होकर हमें अभी दिखेगा, मैं इसको डिस्प्ले करने का कोड यहाँ पर लिख देता हूँ, PHP ओपनिंग, PHP क्लोजिंग, और यहाँ पर लिखेंगे इफ़ इज सेट $ MSG, देन इको कर दो MSG को, सेव कर दिया। अभी देखते हैं, रिफ्रेश किया, सर्च में क्लिक किया, देखिए फील ऑल फील्ड्स कह रहा है, अगर आप 1 लिखेंगे तो आपको सारा डेटा दिखाई देगा, मतलब जो रिक्वेस्ट आईडी प्रॉपर होगा वो, अगर गलत आप लिखेंगे या फिर जो पेंडिंग है उसको लिखेंगे तो आपको यहाँ बताएगा योर रिक्वेस्ट इज़ स्टिल पेंडिंग। इसमें हम लोग इन्फो कर देते हैं
तो रिक्वेस्ट इज स्टिल पेंडिंग वाला जो हमारा मैसेज है इसमें वार्निंग ना करके ये इन्फॉर्मेशन है, इसको इन्फो में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें हम लोग अगर 2-3 लिखते हैं तो हमें ये इन्फो मिलेगा कि रिक्वेस्ट इज स्टिल पेंडिंग। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ये काम। एक और फीचर अगर मैं इसमें देना चाहूँ कि सर्च में क्लिक किया, सर्च हो गया, इस ये प्रिंट हो जाए, ये प्रिंट होगा तभी तो पेपर में निकाल कर एक कस्टमर से सिग्नेचर करवाएंगे, टेक्नीशियन से सिग्नेचर करवाएंगे, तो प्रिंट करने का हमने ऑप्शन इसको नहीं दिया। तो चलिए इसको प्रिंट करने का ऑप्शन हम लोग देते हैं। प्रिंट करने का ऑप्शन कैसे देंगे? प्रिंट करने का ऑप्शन देंगे हम लोग टेबल में आएंगे, टेबल के नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर एक डिव बनाएंगे। इस डिव का जो भी हम लोग लिखेंगे वो सब कुछ सेंटर में होना चाहिए, तो मैंने यहाँ कर दिया टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर के बाद फॉर्म हमें बनाना है, तो फॉर्म टैग इसके अंदर इनपुट बनाएंगे, इनपुट बटन बनाएंगे, तो इनपुट बटन हमारा ये है, एक्चुअली बटन नहीं सबमिट बटन बनाएंगे, तो टाइप इसका हम लोग सबमिट कर देते हैं और इसका वैल्यू दे देंगे हम लोग प्रिंट। इसमें और क्या देना, हमें क्लासेस देनी है बूटस्ट्रैप की, जिससे कि ये बूटस्ट्रैप जैसा खूबसूरत दिखने लगे। यहाँ पर btn डेंजर प्रिंट है और इसका टाइप हमने दे दिया है, वैल्यू हमने दे दिया है। इसके बाद एक और हमें बनाना है क्लोज का, तो इनपुट बटन इसका टाइप चेंज करके हम लोग कर देंगे सबमिट और इसका वैल्यू कर देंगे। हालांकि रीसेट कर सकते हैं आप क्लोज के लिए, रीसेट नहीं इसको हम लोग सबमिट ही रखेंगे क्योंकि हमें इसको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा कहीं और, देखते हैं क्या होता है, लॉजिक हमारा कैसा लगता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। टाइप वैल्यू हमें देना है क्लोज, और क्लोज देने के बाद क्या करना है हमें, क्लास देनी है बूटस्ट्रैप की, तो क्लास इक्वल बूटस्ट्रैप की btn सेकेंडरी, क्लास दे दिया, टाइप दे दिया, वैल्यू दे दिया और फॉर्म क्लोज है। इतना सब कुछ हो गया, अभी इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद इसको करेंगे जी रिफ्रेश। वन में क्लिक किया, सर्च में क्लिक किया, पहले वन लिखकर सर्च में क्लिक किया तो हमें ये प्रिंट और क्लोज का दो बटन मिल जा रहा है। इसमें थोड़ा सा मार्जिन देना हमें पड़ेगा। फॉर्म में यहाँ पर हम लोग क्लास ऐड करते हैं, क्लास सबसे पहले मार्जिन देते हैं, मार्जिन 3 राइट में दिया। रिफ्रेश करते हैं, वन और सर्च में क्लिक किया तो ये मार्जिन राइट एक्चुअली यहाँ कुछ काम आ रही ना, मार्जिन बॉटम देना है ना हमें, मार्जिन बॉटम। सेव किया, रिफ्रेश किया और वन सर्च में क्लिक किया तो मार्जिन बॉटम देना है हमें, ठीक है। अभी इसमें क्या है, आप इन दोनों को में डिस्टेंस थोड़ा सा बना सकते हैं, आपको ये चिपका हुआ लग रहा है, तो अभी इसमें क्या है कि प्रिंट में क्लिक होने पर प्रिंट होना चाहिए बट प्रिंट तो हो नहीं रहा, तो ऑन क्लिक इवेंट पर हम लोग एक फंक्शन लगाएंगे जावास्क्रिप्ट का इस इनपुट फील्ड में, ऑन क्लिक इवेंट पे, जो हमें प्रिंट करने की फैसिलिटी देगा। तो विंडो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का और प्रिंट फंक्शन, बस इतना ही आपको लिखना है, इससे आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको करेंगे जी रिफ्रेश, और वन में क्लिक कीजिए, सर्च में क्लिक कीजिए, आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है, आप प्रिंट में क्लिक कीजिए, आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मुझे प्रिंट करते वक्त ये नहीं चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं, क्या क्या आपको नहीं चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए, आपको ये सारी चीज़ नहीं चाहिए, और आपको यहाँ नीचे ये प्रिंट वाला और क्लोज वाला बटन भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं इस फॉर्म में आपको दिखाता हूँ छोटा सा एक डेमो। इस फॉर्म में आपको क्लास ऐड करनी है डी प्रिंट नन, यानी कि डिस्प्ले प्रिंट नन, यानी कि प्रिंट हो तब ये हमारा नन हो जाएगा। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश। इसमें वन सर्च में क्लिक किया, हमारा ये सर्च हो रहा है, अभी हम प्रिंट में क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रिंट होगा, लेकिन हमारा बटन हमें नहीं दिखेगा। देखिए बटन अब यहाँ पर नहीं दिखने लगा। उसी तरीके से सेम चीज़ को फॉलो करते हुए आपको ये वाला गायब करना है और ये वाला गायब करना है। और यहाँ वन में सर्च किया, क्लोज बटन पर क्या होता है, क्लोज बटन पर ये हमारा रिफ्रेश हो जा रहा है। एक बार फिर से देखिए, मैंने इसमें इस बार 4 लिखा, सर्च में क्लिक किया तो 4 का हमें डेटा दिखाई देता है। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसमें हमने बटन को हाइड कर दिया है प्रिंट होने पर, मतलब प्रिंट प्रीव्यू, जब प्रिंट होगा तो बटन हमारा नहीं दिखेगा d-print-none ये क्लास ऐड करने से। तो यही क्लास हम लोगों को इधर भी लगाना है, यानी कि साइड बार में भी लगाना है। जूम करता हूँ,
इस साइड बार के लिए भी लगाना है और इसके भी लिए लगाना है। तो इजी ये वाला आप लोग लगा के देखिएगा, इजी है। साइड बार को मैं कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे पेज में जाना पड़ेगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी। इसके लिए मैं कहाँ जाना पड़ेगा, ये साइड बार हमारा कहाँ है, हमारा हेडर डॉट पी एच पी में है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर इंक्लूड्स हेडर डॉट पी एच पी, और यहाँ पर हमें साइड बार हमारा स्टार्ट कंटेनर है हमारा साइड बार यहाँ पर। तो यहाँ पर बस आपको एक क्लास ऐड करना है, क्लास आपका डी प्रिंट नन, बस ये लगा दीजिए। अब आपका कभी भी प्रिंट में जाएगा तो ये साइड बार नहीं आएगा। देखते हैं प्रैक्टिकल करके, सेव किया इसको, सेव करने के बाद वन सर्च और प्रिंट में क्लिक किया तो देखिए साइड बार हमारा नहीं आ रहा। अभी ये बाकी है तो ये वाला आप देखिए करके, बस एक क्लास ही ऐड करना, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये था हमारा सर्विस स्टेटस चेक करने का पेज। यूज़र पैनल में हमने सब कर दिया, हमने प्रोफाइल कर दिया, सबमिट रिक्वेस्ट कर दिया, सर्विस स्टेटस कर दिया और चेंज पासवर्ड कर दिया। मैं आपको पूरा स्टोरी एक बार दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक यूज़र है जिसने लॉगिन किया आईडी बनाकर जनरेट करके, सबमिट रिक्वेस्ट पर आए, वो एक रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा है। मान लीजिए कि मेरा जो माइक है रोड का वो ख़राब हो गया, इज़ माइक इज़ नॉट वर्किंग, ये मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन में, मैंने लिखा ड्यू टू रॉन्ग हैंडलिंग। हमने सबमिट कर दिया, ये रिक्वेस्ट हमारा सबमिट हो गया। हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो मैं इसको प्रिंट करके रख लेता हूँ। ये प्रिंट हमने किया ये राज, और हमने सेव करके इसको रख लिया। ये जो हमने रिक्वेस्ट सबमिट किया ये हमारा टेबल में चला आएगा, यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट वाले टेबल में। यहाँ पर देखिए 5 नंबर में आईडी जनरेट हुआ मेरा, और मेरा यहाँ पर रिक्वेस्ट का इन्फो है पूरा सही है। मैं अब स्टेटस अपना चेक करना चाहूँगा, मेरा 5 रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हुआ है, मुझे प्रिंट होकर वो मिला है। मैं 5 यहाँ करके सर्च करता हूँ तो मुझे ये बताया कि ये रिक्वेस्ट इज स्टिल पेंडिंग, बिकॉज एडमिन ने अभी तक उस रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं किया, असाइन नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे ये बता रहा है कि ये रिक्वेस्ट इज स्टिल पेंडिंग। तो लॉगआउट करते हैं और एडमिन में लॉग इन करते हैं, बिकॉज हमने एडमिन पैनल भी काफ़ी हद तक बना लिया है, कम से कम इतना काम तो कर ही सकते हैं। तो हमने यहाँ पर osms.com और 1 2 3 4 5 6 एडमिन पर लॉग इन कर रहा हूँ मैं। एडमिन में लॉग इन हो गया, हम लोग रिक्वेस्ट में जाते हैं। देखिए हमें यहाँ पर अपना रिक्वेस्ट मिल रहा है, जो अभी जस्ट हमने किया 8 तारीख को, कुछ देर पहले रिक्वेस्ट आई डी 5, तो ये मिला एडमिन को, ये यूज़र ने किया हुआ है। व्यू करेगा एडमिन, देखेगा हाँ ये सब कुछ सही है। तो टेक्नीशियन का नाम जो भी नाम है, मान लीजिए कुछ देर के लिए हम लोग नाम रखते हैं सोनम, और डेट हम लोग असाइन डेट इसमें डाल देते हैं आज का 8 तारीख, देन असाइन कर दिया। तो ये हमारा जो है असाइन हो गया सक्सेसफुल्ली। अब इसको इसके यहाँ सकता नहीं है, हम लोग इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये यहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट से आपका डिलीट हो जाएगा, और आपने असाइन किया है तो ये असाइन वाले टेबल में यहाँ पर चलाएगा 5 नंबर। अब जब यूज़र चेक करेगा, अब हम इसको लॉग आउट करते हैं एडमिन को। अब जब यूज़र लॉग इन करके चेक करेगा एंड यूज़र 8osms.com और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यही पासवर्ड रखा था हमने, और स्टेटस में आएगा और यहाँ 5 डालकर अपना स्टेटस चेक करेगा तो उसको पूरा वर्क का डिटेल मिल जाएगा यहाँ पर, जिसको ये प्रिंट कर सकता है। ओके, तो ये मेन काम था हमारे इस प्रोजेक्ट का जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये पूरा स्टोरी हमने समझा, मेन पार्ट जो था हमारे इस सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि सर्विस रिक्वेस्ट हो रहा है, उस सर्विस को अप्रूव किया जा रहा है एडमिन के द्वारा, और फिर इसको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।